जून 2023 में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भारत सहित 6 देशों की यात्रा पर थे। इस कार्यक्रम में जब वो भारत आए, तब एक कार्यक्रम के दौरान भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में गूगल के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट राजन आनंदन ने पूछा कि क्या भारत में चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को तैयार किया जा सकता है। इस सवाल पर चैट जीपीटी के संस्थापक सैम ऑल्टमैन ने कहा कि हमारे साथ ट्रेनिंग फाउंडेशन मॉडल पर मुकाबला करना पूरी तरह से निराशाजनक है, यानी कि उन्होंने इसकी संभावना से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अब भारत में ही चैट जीपीटी जैसी तकनीक को बनाने में कामयाबी हासिल की गई है। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने 15 दिसंबर को भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया। ये मॉडल ओपन एआई के चैटबॉट चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड को टक्कर देगा। लॉन्च इवेंट के दौरान अग्रवाल ने कृत्रिम से पावर्ड एआई चैटबॉट दिखाया जो चैट जीपीटी और बार्ड की तरह सवालों के जवाब देता है। ये 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है और 10 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है। आइए जानते हैं कि कृत्रिम कैसे काम करेगा, कृत्रिम का यूआरएल क्या है और ये ओपन एआई के चैट जीपीटी से कैसे अलग है। कृत्रिम के बारे में हर जानकारी हम समझेंगे विस्तार से। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ओला कृत्रिम कैसे काम करेगा। अभी आप www.olakritrim.com पर जाकर इस चैटबॉट के लिए साइन अप कर सकते हैं। इसका शुरुआती एक्सेस मिलना शुरू हो चुका है और दिसंबर 2023 के आखिर तक ये सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसमें एक चैटबॉट है जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसके बाद स्क्रीन पर आपको जवाब मिल जाएगा। अब जानते हैं कि कृत्रिम प्रो कब तक आएगा। कृत्रिम 2 साइज में आएगा। इसके बेस मॉडल को 2 ट्रिलियन टोकन और यूनिक डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। बातचीत में इस्तेमाल होने वाले सबवर्ड को टोकन कहा जाता है। वहीं लार्जर मॉडल का नाम कृत्रिम प्रो है। इसे अगले क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कृत्रिम। कृत्रिम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM है। LLM डीप लर्निंग एल्गोरिदम है। इन्हें बड़े डेटा सेट का इस्तेमाल करके ट्रेन किया जाता है, इसीलिए इसे लार्ज कहते हैं। ये उन्हें ट्रांसलेट करने, प्रेडिक्ट करने के अलावा टेक्स्ट और अन्य कंटेंट को जनरेट करने योग्य बनाता है। किस एआई कंपनी ने बनाया है कृत्रिम? भाविश अग्रवाल ने अप्रैल 2023 में कृत्रिम एएसआई डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनाई थी। अग्रवाल के अलावा कृष्णमूर्ति वेणुगोपाला टेनेटी कंपनी के एकमात्र दूसरे डायरेक्टर हैं। टेनेटी अग्रवाल की दूसरी कंपनियों ओला कैब्स और ओला इलेक्ट्रिक में भी डायरेक्टर हैं। क्या काम करता है चैट जीपीटी? ओपन एआई ने नवंबर 2022 में दुनिया के लिए चैट जीपीटी अनवील किया था। ये एआई टूल ईमेल लिखने, गीत लिखने, निबंध लिखने जैसे काम आसानी से करता है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो आपको इंसानों की तरह जवाब देता है। आइए अब जानते हैं कि चैट जीपीटी से कितना अलग है कृत्रिम। चैट जीपीटी को लॉन्च हुए कई महीने हो चुके हैं, इससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, यानी ईमेल लिखने से लेकर सीवी तक आप इससे बनवा सकते हैं। रील या अपनी वीडियो कैसे वायरल करना है, इसका भी जवाब चैट जीपीटी देता है। टैग्स, कीवर्ड के सजेशन भी देता है। भाविश अग्रवाल ने कृत्रिम को पेश करने के दौरान मिठाइयों की बहस, बंगाली भाषा में कविता लिखने जैसे सवाल पूछे और इसने उसके जवाब भी दिए, ठीक वैसे ही जैसे चैट जीपीटी अंग्रेजी भाषा में देता है। भारतीय भाषाओं को लेकर जो बढ़त कृत्रिम ने हासिल कर ली है, उसमें चैट जीपीटी थोड़ा पीछे दिखाई देता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चैट जीपीटी को लॉन्च हुए कई महीने हो चुके हैं और उसे इस दौरान लगातार उन्नत किया गया है। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।